नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस कार्यक्रम में। और कल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई 5 रुपए फी लीटर, और जिसको लेकर खासा बवाल हुआ, राजनीतिक बवाल। लेकिन सरकार ने कहा कि आर्थिक एक तरह से फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उसके बाद आज कैबिनेट बैठी और कैबिनेट ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम तेज करने के, विदेशी निवेश को अलाउ किया है FDI सिविल एविएशन में, उड्डयन क्षेत्र में, FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में, कुछ PSUs के में विनिवेश की बात की गई है। तो एक सरकार जो लगभग बैसाखी और बैलगाड़ी पे नजर आ रही थी कुछ घंटों पहले तक, वो एकदम से जैसे टॉप गियर में आ गई, और यही हमारे फोकस में आज चर्चा का विषय। तीन विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं, MK वेणु, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, KG सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार, और नरेंद्र तनेजा साहब, साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अपस्ट्रीम के जाने माने अर्थशास्त्री और तेल मामलों के विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले तनेजा साहब, आपसे शुरू करते हैं। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कल, उसके बाद आज ताबड़तोड़ फैसले, क्या मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, कल जो डीजल का फैसला लिया गया उसका बैकग्राउंड अलग है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन कल जो डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया, उससे ये लगने लगा कि सरकार ने तय कर लिया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, मतलब हिम्मत दिखाई जाएगी, उसके फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, लेकिन सरकार ने ये मैसेज दिया कि अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है और वो लिए जाएंगे। एक आप उसको बोल सकते हैं गैम्बलिंग है, आप उसको बोल सकते हैं कि सरकार अपनी इमीडिएट सर्वाइवल के साथ साथ थोड़ा देश की आगे नजर भी रख के चल रही है। सरकार ये भी देख रही है जो युवा हमारे 65% हमारे देश में युवा हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। KG सुरेश साहब, जो कहीं ना कहीं एक जुआ है, कहीं ना कहीं सामने वालों को चुनौती है, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैनेजमेंट भी इसमें लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे पॉलिटिकल टिप्पणी चाह रहा हूं। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता, कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार के खिलाफ जो है वो अभी तक लगातार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कल तक आपका कोयला घोटाला था और अचानक एजेंडा बदल जाता है, अब सबका फोकस FDI में चला जाता है, सबका फोकस हाइक में चला जाता है, फ्यूल प्राइस के डीजल के हाइक में चला जाता है, विपक्ष का भी फोकस उसमें चला जाता है। तो सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे। मेरा जो राजनीतिक प्रबंधन से मतलब था, मैं उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं TMC तृणमूल कांग्रेस और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी बात है राज्यों चाहे तो लागू करें जी। उन्होंने डीजल प्राइस एनेबलिंग, वैसे एनेबलिंग क्लॉज रखा हुआ है, एनेबलिंग क्लॉज एक रखा हुआ है। देखिए, सरकार के पास अगर समय मिलता है, जैसे वेणु साहब ने कहा आने वाले 1-1.5 साल जो वो उम्मीद कर रही है, अगर वो मिल जाता है तो हो सकता है कि सरकार इसको लोगों तक पहुंचा पाए। सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों के जहन में, आम आदमी के जहन में, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम आदमी के जहन में है कि FDI उसके खिलाफ है, आम आदमी के जहन में है कि ये पूरा डीजल हाइक को समझाना। तो डीजल हाइक तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में डीरेगुलेटेड हो गया मार्केट, कल को जो है सरकार उसको फिर से वापस जो है फ्यूल प्राइसेस को और कम करवा दें, लेकिन एक बार FDI खुल गया तो उसको फिर बंद करना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये लोगों तक पहुंचाना कि जैसे आपने कहा कि लोगों को यह समझाना कि ये उनके भले के लिए, ये कोल्ड स्टोरेज की बात करी जा रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, ये मतलब आपके किसानों के हक में है, ये कृषि क्षेत्र के हक में है, ये समझाने के लिए क्या मतलब समय जो फैसले लिए हैं उसको, उसका मैसेज आप सही ढंग से लोगों तक पहुंचा पाए। और शायद एक बात से थोड़ी सी नाइत्तफाकी अगर मैं अपनी दर्ज करा सकूं, मुझे एंकर, कि लोग शायद FDI के उतने खिलाफ नहीं होंगे जितने मूल्य वृद्धि के खिलाफ होंगे। FDI थोड़ा पेचीदा मुद्दा है, आम आदमी शायद उससे इतना सरोकार नहीं रखता, खासकर आपका जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, शायद यहां एक कैलकुलेटेड रिस्क भी होगा। ट्रेडिंग कम्युनिटी तो वैसे भी किसी एक दल विशेष के साथ एक तरफ, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार देखते हैं, जहां बताया जाता है कि 1,75,000 करोड़, 80,000 करोड़, जब तक उसमें क्लियर कट कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखता है तब तक लगेगा कि ये दोहरा मापदंड है। एक तरफ आप कहेंगे कि देखिए हमें ये नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ कहेंगे यहां तो पूरा जो है सारे जो हमारे संपत्ति है उसका लूटपाट हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं वो भी संदेश देना होगा कि जो है ये जो है इसमें असली स्टोरी क्या है, इसमें हुआ क्या है, और ये जब तक आप नहीं समझाएंगे तो ये जरूर आम आदमी के जहन में रहेगा। सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के पेट पर लात नहीं पड़ रही है, अगर त्याग और सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का शुक्रिया करूं, तनेजा साहब, सुरेश, MK वेणु, आप चर्चा में आए और आपने अपना इनपुट दिया, और आपका जो ज्ञान है इस विषय में, जो बड़ी बात निकल के आई है कि सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कुछ बोल्ड बहादुर किस्म के फैसले लिए गए, जो एक डिफिकल्ट समय में लिए, जिसका बड़ा राजनीतिक शायद उनको कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन सरकार ने मजबूती दिखाई है
और उसके क्या नतीजे निकलते हैं, किस तरह का मैसेज जाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप तीनों का शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में तो सरकार को पूरा, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ देश नहीं है ना। एक बात मैं कहूंगा कि जो फैसले आज लिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है अगर भारत का भाग्य साथ देता है और सरकार की, ये गैम्बल जरूर है, जुआ है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है एक नई सुबह की शुरुआत हो जाए। नई सुबह की शुरुआत हो सकता है, कैलकुलेटेड गैम्बल है, क्योंकि करता और मरता क्या ना करता वाली स्थिति भी थी। देखिए सरकार अगर गिर भी जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी विल गो डाउन फाइटिंग, तो कम से कम इस छवि से कि हम रिफॉर्म करते हुए गिरे, ये नहीं कि भ्रष्टाचार की वजह से गिरे। और जैसे वो कहते हैं ना कि डरपोक तो रोज रोज मरता है, तो आप कम से कम जंगे मैदान में तो गए और लड़ते हुए, अगर जो भी होगा वो देखा जाएगा पॉलिटिकल प्राइस, लेकिन शायद गवर्नमेंट वो पहले मैनेज कर चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर सहमति बन चुकी है। आप तीनों का शुक्रिया, और आप सभी ने जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आपके अपने और देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज नेटवर्क थे, आपका ही बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड वीकेंड एवरीबॉडी, आपका सप्ताहांत बहुत सुखद हो। सोमवार इसी समय शाम 7:30 बजे उपस्थित होते हैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ फोकस कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार और शुभरात्रि।